सब्सक्राइब करें जीपी एडवाइस चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीपी एडवाइस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई सारे लोग मतलब कि मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो पूरे साल नहीं पढ़े, अब उनको हेल्प चाहिए कि वो मेरे को उनको मैं ऐसा कोई मतलब वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं ना सिर्फ वो थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो जाए। दोस्तों, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं आज इस वीडियो के मेन मेन चैप्टर बताऊँ जिससे वो सिर्फ पास हो जाए, बढ़िया मार्क्स नहीं सिर्फ पास होने के लिए मैं वीडियो बनाई है, जो बच्चे पास होना चाहते उनके लिए। देखो दोस्तों, तो इस बार बोर्ड का जो पैटर्न आने वाला है वो इंग्लिश का बिल्कुल चेंज है। मेरी गारंटी रहती है बिल्कुल पैटर्न चेंज है, इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कैसे नंबर लाएगी या आप कैसा पेपर आने वाले कि मैं वो मेन मेन चैप्टर से बता सकता हूँ और बता सकता हूँ आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे आप पास हो जाओ। देखो, अगर आप सैडी प्लॉट की मतलब कि आप मेन चैप्टर्स देखो अपने लिटरेचर के अंदर, तो मेन चैप्टर टू जेंटलमैन ओवरोना, सैडी प्लॉट, पटोल बाबू, फ्रॉग एंड नाइटिंगेल, ओजामांडियस, राइमो एशियम मराइन और स्नेक और जूलियस सीजर और डी डिपार्टेड, ये 9 चैप्टर आप कर लो, आप पक्का आराम से आपके 20-30 मार्क्स इधर ही आ गए अगर आप ये 5-9 के 9 चैप्टर कर लेते हो। ठीक है, इधर 20 मार्क्स आपके 20 तो मार्क्स पक्का आ जाएंगे। फिर आपका नंबर आता है कि आपका नोवल का क्वेश्चन, 10 नंबर का नोवल का क्वेश्चन आता है, उसमें से 10 नंबर क्वेश्चन में से अगर आप पढ़ के जाओगे ढंग से तो आपको 5 नंबर उधर आ जाए, 25 नंबर वैसे हो जाएगी आपके। ठीक, करैक्टर स्केच आपको तैयार करने, तो हेलन केलर का करैक्टर स्केच तैयार कर लेना। देखो दोस्तों, ये हेलन केलर का करैक्टर स्केच है ये तैयार कर लेना। इसकी आपको ये सारे की जो भी मेन मेन क्वेश्चन है आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर लो, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगी, आप वो उस पर मैसेज करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको इन करैक्टर स्केच पिक भेज दूंगा। करैक्टर स्केच दूसरे मिस एनी सुलिवन का, मिस सुलिवन करैक्टर स्केच लर्न कर लो। और एक ये एडवर्ट इवर्ट हैले, इसका करैक्टर स्केच लर्न कर लो, ये भी बहुत आसान करैक्टर स्केच है, ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये 3 करैक्टर स्केच लर्न कर लो। और एक डॉक्टर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल का भी लर्न कर लें, क्योंकि एलेक्जेंडर ग्राहम बेल का भी बहुत बड़ा रोल था उसकी लाइफ के अंदर हेलन की, तो वो भी आप ज़रूर लर्न कर लेना। बाकी कोई मेन करैक्टर स्केच नहीं है। इसके बाद आते हैं ग्रामर सेक्शन। ग्रामर के अंदर आपको मतलब कि ग्रामर सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको पास और फेल कराने में। तो अगर आपको 30-35-40 नंबर तक लेकर आए तो आप एक नोटिस कर लेना, एक हम नोटिस कर लो। फिर नोटिस के बाद आप कर लो एक लेटर कर लो, एक आप कर लो गैप फिलिंग, एक आप कर लो आप ये तीनों बहुत इजी है, एक आपने कर लो स्टोरी राइटिंग। ये मैं आपको मतलब मेन में बता रहा हूँ कि पक्का आएगी और इनके आप पास होने के आपके चांस ये आपके बढ़ा देंगे अगर आपको पास होना है तो। ये मतलब कि ये आपके होता है कि ये आपके मेन मेन मतलब कि कोर्स के अंदर मैंने चैप्टर्स ढूंढ दिए हैं और ये आपको पास कर, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये सारे पक्के पक्के तैयार कर ले तो आपके आराम से 20+ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आप तैयार करोगे साथ में आप ये करोगे तो आपके आ जाएंगे ये आराम से 20 मार्क्स इधर, आप मान लो 20-30 मार्क्स इधर, मान लो आप 20-30 मार्क्स, अगर आप 20-40 हो जाते हैं। और अनसिंग पैसेज अगर आप सही करते हो तो आप 50 नंबर आ जाए, 50 आ जाए लो। ये वीडियो आप सिर्फ एक मार्क को, इस वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत तो दे मैंने बताई भी नहीं, ये सिर्फ आसान आसान को से पढ़ के चले जाओ आपको आराम 50-60 मार्क्स आ जाएंगे। 50-60 मार्क्स कोई कम नहीं होते हैं। और अगर आपको आप पूरे साल नहीं पढ़े और आप एंड में अगर पढ़ के मार्क्स लाना चाहते तो आप सोच रहे हो कि आपके 80-70+ नंबर आ सकते हैं तो आप अच्छे नंबर लाओगे तो आराम से आ सकते हैं। और अगर आप 50 देखो 50 अगर आपको मार्क्स लाने हैं इंग्लिश के अंदर, आप पूरे साल नहीं पढ़े और अब आप पढ़ रहे हो तो ये आपको जो मैं बताया ये कर लो, ये कर लो। और एक नोवेल का आप 10 नंबर भूल गए तो आपके आराम से 60 मार्क्स आ जाएगी। अगर आप मैं 60 आपको बोल रहा हूँ आप इतनी मेहनत करोगे थोड़ी बहुत पीछे आ जाए फिर 50 मार्क्स तो आराम से आ जाएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप ये वाली तैयारी करके जो इन चैप्टर्स की तो गारंटी से आपकी 50 मार्क्स आ जाएगी। और दोस्तों, आप सभी ने मेरे से सैम्पल पेपर की डिमांड करी तो मैं इसकी सैम्पल पेपर के लिए भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही पास होना है हर एक सब्जेक्ट के अंदर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर्स और हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, प्लीज़ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और आप जितने आपके फ्रेंड है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है आपका, जितने बड़ा फ्रेंड सर्कल है सभी को आप शेयर जरूर करना। अगर आपको इस वीडियो कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरे को मैसेज करके बता देना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर सकूँगा।
प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल जीपी एडवाइस।